नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के आसू। इस वक्त छतरपुर से खबर सामने आ रही है। क्रिसमस डे का पर्व चर्च में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर चर्च के अध्यक्ष प्रदीप लाल ने जानकारी देते हुए बताया क्रिसमस डे पर प्रार्थना का आयोजन किया गया और यीशु के विचारों पर भी प्रकाश डाला गया। लोगों से अपील भी की गई शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं और लोगों की सेवा करें। और उसका उद्देश्य है संसार के अंदर आने का। उस उद्देश्य को उसने अपने जीवन के अंदर पूरा किया। एक और रेफरेंस पढ़िए, देखिए प्रभु का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है। इब्रानियों के पत्री उसका 10वां अध्याय, उसके अभी आराधना हो रही है क्रिसमस की सुबह ठीक 9 बजे से, और जिसमें परमेश्वर का वचन जो जगत में उनके आने का सुसमाचार है उसको हमारे जो पास्टर साहब हैं दीपक नलमलची जी, उनके द्वारा दिया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण आराधना है जो कि हर विश्व में हर एक जगह बड़े दिन की आराधना इस समय हो रही है। कहीं सुबह हो चुकी हैं, कहीं 8 बजे हो रही, कहीं 9:30 बजे, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग समय के अनुसार हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है हमारे लिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर जो जगत के सृष्टि करता है वो हमें ये अवसर दे रहे हैं कि हम एक बार फिर से उनके जन्म उत्सव को मना सकें। लेकिन बहुत सादगी के साथ हम लोग, हमारा जो समाज है वो जो हमारे प्रशासनिक नियम हैं उनका परिपालन करते हुए हमने अपने सारे प्रोग्रामों को सादगी से मनाने का निर्णय किया है। और प्रायः सभी कार्यक्रम जो हैं वो निरस्त हैं, केवल आराधना प्रार्थना कैरल्स गीत ये केवल हम लोगों के यहाँ अभी हो रहे हैं। सभी यीशु मसीह इस संसार में आए।